हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है न्यू हुंडई वेन्यू BS62 अपडेटेड। यहाँ पे थोड़े बहुत जो है अपडेट्स करे गए हैं। अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिल जाता है, जो कि जब मैं आपको इंटीरियर में जाऊँगा तब दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या कुछ नया करा गया है, क्या यहाँ पे प्राइस में अपडेट करा गया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही क्विक वॉक अराउंड रहेगा, साथ में काफ़ी सारी डिटेल भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट हमारे फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो ये अपडेटेड वेन्यू का S मॉडल है, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये सेल भी होता है। और इवन जो वेन्यू की एवरेज मंथली सेल है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे जो आपको वारंटी मिलती है वो आप देख सकते हैं, और जो वारंटी है वो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं हुंडई में अप टू 7 ईयर्स, जो कि काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी ऑफर करते, साथ में रोड साइड असिस्टेंस भी आपको मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर अभी आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे व्हाइट कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर, ग्रे कलर भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जो ब्लैक कलर है इट लुक्स वेरी अमेजिंग, डस्ट भी जल्दी कैच करता है लेकिन इट लुक्स सो नाइस। एंड जो क्रोम वगैरह है वो काफ़ी उभर के आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश में ग्रिल यूज़ करी गई है, तो बहुत ही बड़ी आपको ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स, यू कैन सी इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको कोई डे टाइम रनिंग लाइट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प फीचर के साथ आते हैं, हाई बीम लो बीम हेलोजन में ही है। साथ में यहाँ पे आपको फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी मिल जाता है। एंड वेन्यू से अब सारे मॉडल से जो फॉग लैम्प है वो रिमूव कर दिए गए, तो यू डोंट गेट एनी फॉग लैम्प। फ्रंट में यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किप प्लेट मिल जाती है, तो मल्टीपल टेक्सचर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं विच लुक्स वेरी वेरी नाइस। एंड गाइस ये है साइड प्रोफाइल, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट फेंडर पे, यहाँ पे ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स नहीं दिए गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये फोल्डेबल नहीं है। देन दीज आर द अलॉय व्हील्स, जो कि आप अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं, इस मॉडल में भी अलग से इंस्टॉल करे गए हैं, वैसे आपको नॉर्मल स्टील व्हील ही मिलते हैं। सो शोरूम से आप ये इंस्टॉल करवा सकते हैं 40,000 में। और ये है 16 inches के, सो 205/65 सेक्शन टायर, एंड दे लुक रियली वेरी नाइस। टॉप एंड मॉडल में भी सेम अलॉयज मिलते हैं आपको। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आप देखेंगे तो रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इवन जो कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ की आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, यहाँ पे शार्क फिन एंटेना दिया गया है, और ये है रियर लुक। सो इस मॉडल में जो कनेक्टिंग टेल लैम्प्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो आपको SX मॉडल ऑनवर्ड्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प मिलेंगे, लेकिन ये एडजॉइनिंग दिए गए। ऑल्सो आप आफ्टर मार्केट ऑप्शन रहता है, तो आफ्टर मार्केट आप इसको कंप्लीट LED टेल लैम्प को एडजॉइनिंग करवा सकते हैं, जैसे कि टॉप एंड मॉडल में। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल है, रिवर्सिंग लैम्प आपको मिलेगा, रियर स्किड प्लेट, तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं जो कि इसे बोल्ड लुक ऑफर करते हैं। सो एक बॉक्सी SUV टाइप प्रॉपर आपको यहाँ पे लुक मिल जाती है। रियर में वाइपर आपको नहीं मिलेगा, बट डिफॉगर दिया गया। एंड देन यहाँ पे सेंटर में वेन्यू की बैजिंग, और यहाँ पे हेलोजन लाइट्स आपको मिलेगी फॉर द लाइसेंस प्लेट। इसको प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाता है। दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस, यहाँ पे पार्सल शेल जो है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट्स इस मॉडल में नहीं दी गई, तो जिसमें रिक्लाइन दी गई है तो वो यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिक्लाइन हो जाता है, तो इतना डिफरेंस आपको मिल जाता है अराउंड 3 inches का। चाइल्ड लाइट्स ऑफ माउंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे लैंप इस मॉडल में नहीं दिया गया, लेकिन 350 में आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसको उठाएंगे तो ये है स्पेयर टायर। सो स्पेयर टायर आपको स्टील व्हील मिलेगा 15 inches का, 195/65 सेक्शन टायर। एंड सीट्स को आप फर्दर फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं। सो बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं, तो कुछ ऐसे आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी आपको लाइट मिलती है जो कि आप बूट में इंस्टॉल करवा सकते हैं, किसी भी कार में इंस्टॉल हो जाती है बहुत ही आराम से। एंड ये जेन्युइन भी करवा सकते हैं, जैसे कि हुंडई की जेन्युइन है, एंड आप अलग से नॉर्मल भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाती है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं बोनेट को, और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो कि अपडेट करा गया। एंड जितने भी मॉडल हैं, मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड दिस इज़ द इंजन, इवन यहाँ पे अंडर बॉडी जो इंजन गार्ड है वो भी थोड़ा सा अवेलेबल है, सो आप देख सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफर करता है। सो BS6 फेज टू में यहाँ पे डीजल इंजन जो है वो डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया। अब आपको यहाँ पे क्रेटा वाला सेम डीजल इंजन मिलेगा जो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन। उसके अलावा बाकी जो दो इंजन ऑलरेडी चल रहे थे वो सेम यहाँ पे आपको मिलते हैं, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। सो ये दो इंजन दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली दोनों इंजन BS6 फेज टू के हिसाब से ट्यून्ड है। सो यहाँ पे जो इंजन है आपको पहले से कहीं ज़्यादा साइलेंट मिलेगा एंड पॉल्यूशन भी कम क्रिएट करेगा। और अब फाइनली गाइस चेक करेंगे इंटीरियर्स, बाकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड हर एक कार का जो सर्विस कॉस्ट है वो लिस्टेड है हमारी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि एग्जैक्ट जो सर्विस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो भी 10 साल तक, वो भी हर एक गाड़ी की वो लिस्टेड है। तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें, लिंक जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में www.teamcardlight.com पे विजिट करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी गाड़ियों के जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मिल जाएंगे, EMI कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा। तो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की है और एक आपको यहाँ पे प्रीमियम फोल्ड की मिलेगी लॉक अनलॉक एंड टेलगेट स्विच के साथ। तो कार को भी ऑन कर लेते हैं। तो ये है वेलकम फंक्शन और गाइज ये है डैशबोर्ड की लुक। सो डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है, जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी आपको बहुत ही प्लश मिलती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं एल्यूमिनेटेड, सो यहाँ पे कुछ न्यू कंट्रोल्स ऐड करे गए हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो कि फर्स्ट टाइम इंक्लूड करा गया। अब क्रेटा में भी आपको मिलता है फीचर ये वाला सेम, सो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। देन वी हैव गॉट ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर अवेलेबल है और क्लच फुटरेस्ट, यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। और ये फ्रंट सीट्स की लुक, सो फैब्रिक सीट अपहॉल्स्ट्री अवेलेबल है डुअल टोन में विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। एंड ओवरऑल कैबिन आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है, इस मॉडल में सनरूफ अवेलेबल नहीं है और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी आपको नहीं मिलती। और ये है फ्रंट डोर की लुक, डुअल टोन फिनिश में डोर दिया गया है, स्पीकर अवेलेबल हैं, देन ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगी, यहाँ पे आप बाद में लेदर ऐप करवा सकते हैं। एंड इसी के साथ ऑल 4 पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और इवन ऑटो अप भी है, और सिर्फ यही वाला कंट्रोल इधर मिलता है एल्यूमिनेटेड इन सब में से। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, फोल्डेबल नहीं है, सिर्फ एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली, हम एडजस्ट कर सकते हैं इसे। और अब चेक करते हैं बाकी फीचर्स, सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे फ्रंट में आपको कुछ ऐसी आर्मरेस्ट मिल जाएगी, एडजस्टेबल नहीं दी गई, फिक्स्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छी कुशनिंग ऑफर करती है तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज एरिया भी मिलेगा, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, साथ में गाइज ये है इन्वॉल्व की स्नोफॉल परफ्यूम, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस है, जैसे समर के लिए होती है, तो इंस्टेंट आपको ये कूल इफेक्ट देती है जैसे आप अंदर कैबिन में एंटर करते हैं, यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये। एंड अभी अभी विजिट करें involvesenses.com पे, यूज कूपन कोड टीम कार डिलाइट टू गेट 10% ऑफ, ऑल्सो ये मेड इन इंडिया परफ्यूम है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ स्टोरेज एरिया, यहाँ पे कीज वगैरह प्लेस कर सकते हैं। देन दिस इज द गियर बॉक्स, रिवर्स गियर स्लॉट करें तो रियर में कैमरा अवेलेबल है आपको, यहाँ पे सेंसर्स का भी डिस्प्ले मिलेगा, तो प्रॉपर सेंसर्स का डिस्प्ले, यहाँ पे कैमरा, जो गाइडलाइंस है वो अडैप्टिव नहीं है, तो बेसिकली इस मॉडल में आपको सिर्फ सेंसर्स ही मिलते हैं, जो कैमरा है वो यहाँ पे एज एन SSD इंस्टॉल करा गया। और यहाँ से हम ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, बाद में आप वायरलेस चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हैं 5000 में, बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी का। साथ में यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, एक C-टाइप पोर्ट मिल जाता है, दोनों ही एल्यूमिनेटेड पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ में मैनुअल AC और जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो यहाँ पे प्रीमियम नेस यूज़ करी गई इन एवरी मटेरियल, वो टॉप नॉच है, हर एक बटन हर एक कंट्रोल इतना प्रीमियम फील होता है। और गाइज ये है 8 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल केयर प्ले, एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है विच इज़ वायरलेस, बट यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलती, तो एप्पल केयर प्ले एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यहाँ पे आपको नेविगेशन यूज़ करना पड़ेगा। साथ में USB अवेलेबल है, रेडियो, ब्लूटूथ, 4 speakers एंड 2 front tweeters, यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको बिग साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है, एंड कूलिंग फंक्शन नहीं दिया गया इस मॉडल में। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM,
सेंटर में यहाँ पे कोई लैम्प नहीं दिया गया, लैम्प आपको यहाँ पे रियर में ही मिलेगा। तो सेंटर में आप चाहे तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 2500 में, सनग्लास होल्डर एंड पूरा जो लैम्प कंसोल है वो भी, दो लैम्प इंस्टॉल हो जाते हैं, LED भी आप करवा सकते हैं एंड हेलोजन भी। और यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर या फिर टॉयलेट होल्डर अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक, तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। एंड जो स्टीयरिंग व्हील भी है गाइज, वो आपको लाइक इससे ऊपर वाले मॉडल में आप जाएंगे जो SX मॉडल है उसमें आपको स्टीयरिंग व्हील भी डिफरेंट टाइप का मिलता है। सारे कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, ये फेवरेट टैब, तो ये फेवरेट आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी आप फेवरेट असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बार बार यहाँ पे रेडियो मोड यूज़ करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, तो वो असाइन हो जाएगा। हर बार ही आप इसे प्रेस करेंगे तो रेडियो ओपन हो जाएगा। तो कुछ भी आप फेवरेट टैब में यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे MID कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स, देन ये है वाइपर कंट्रोल्स, टू वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है, काफ़ी अच्छे तरीके से वाइपर भी वर्क करता है। और इसके अलावा ये है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, गियर पोजिशन इंडिकेटर, एंड साथ में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को ऑन एंड ऑफ करेंगे या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल को, तो प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा। इवन यहाँ पे वाइपर्स का एंड हेडलैम्प का भी प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है। और ड्राइवर असिस्टेंस, वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्लस्टर की सेटिंग, क्लस्टर का जो थीम है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, A, B और C, सो B थीम या फिर C थीम, तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो वाइपर और आपको मैंने लाइट का डिस्प्ले दिखाया उसे हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो वेलकम साउंड है उसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लाइट का डिस्प्ले मिल जाता है, ओवरऑल कैबिन की इल्यूमिनेशन एंड वन टच इंडिकेटर, और यहाँ पे फॉलो मी होम लैंप फंक्शन ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। डोर अगर आप चाहते हैं अनलॉक या फिर लॉक ना हो तो उसे भी आप ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डोर लॉक जो है। सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाता है, यहाँ पे यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और टायर प्रेशर का यूनिट एंड सो ऑन। सो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होती है। कोई भी डोर ओपन होगा रिमाइंडर मिलेगा, अगर बोनेट ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है, क्रेटा में नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता है, सो दैट इज़ नाइस। और अगेन ये है डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक, एंड ये है रियर डोर, सो अगेन डुअल टोन फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, और ये है रियर सीट्स। यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट दी गई है, एडजस्टेबल नहीं है, सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं है, बाद में 5500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस सीट के बैक पे पॉकेट आपको नहीं मिलेगी, एंड इस सीट के बैक पे पॉकेट मिल जाती है। और रियर रिसीवेंट दो आपको यहाँ पे सी टाइप USB पोर्ट मिलेंगे विच आर इल्यूमिनेटेड, साथ में ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेंटर में हैलोजन लैम्प, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एक बार ही जरूर चेक करें वेबसाइट को, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू सर्विस कॉस्ट एंड अदर।